हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके होम साइंस का पूरा पेपर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह का पेपर आपके सामने आएगा और जो आपका होता है 85 मार्क्स का, और 85 मार्क्स में से आपको उसमें से पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 100 में से आपके 33% होते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा 85 में से आपको कितना चाहिए होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम 25 अबव तो आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें इससे पहले मैंने हिंदी के क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ, 12th क्लास के, और इंग्लिश के डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी तो मैंने इतने अच्छे से क्लियर करी है फ्रेंड्स, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप एक घंटा निकाल लेंगे तो एक घंटे में आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और आप बोलेंगे हाँ हमने प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, होम साइंस में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के भी नहीं जाएंगे, वो भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो 25-30 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एक नंबर के आते हैं, इसमें भी दो खंड होते हैं, अ और ब। आ कंपलसरी होता है, मतलब ए सेट जो होता है वो कंपलसरी होता है, और जो बी आता है पार्ट उसका, उसमें आपको चॉइस मिलती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी पड़ता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोनों पार्ट में, जो आपको ईजी लगता है, जिसको लगता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे वही पार्ट को आपको चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका, साटिन बुनाई से बने वस्त्र की चमकीली सतह क्यों होती है, ठीक है। तो आंसर्स भी हैं इसमें। तो इस बुनाई में जो वस्त्र है उस पर सुंदर चमकीली सतह सी बन जाती है, और ऐसे वस्त्रों की सतह पर जो ताना होता है वो सूत के लंबे फंदों के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वास्तविक आवश्यकता से कम शर्करा लेने से बच्चों पर क्या परिणाम पड़ेगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे, अगर वो मतलब जित उनको आवश्यकता है 2 ग्राम की और वो 10 ग्राम खा लेंगे शर्करा, तो क्या होगा भाई। एग्जैक्टली बात है, कुपोषण आपको पता ही होगा। कुपोषण माल न्यूट्रिशंस क्या होता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मतलब पोषक तत्वों को सेवन करोगे तब भी आपकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, और अगर कम करोगे तब भी आपकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, मतलब आप कुपोषण के शिकार दोनों तरीके से हो जाते हो। तो इसीलिए हमें मतलब एक होता है ना, इक्वल क्वांटिटी में हमें सारे पोषक तत्व लेने होते हैं, ठीक है, तभी हमारी बॉडी सही रहती है। तो बच्चा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का शिकार होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरत से ज़्यादा लेगा तब भी हो जाएगा, नहीं लेगा तब भी हो जाएगा, और वह मरासमस जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। देखिए, मरासमस और क्वाशियर होकर मैं साथ साथ आपको बताती भी चलूँगी आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इन दोनों बीमारियों के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कोई 2 कार्य नीतियाँ बताइए जो एक कार्यस्थल में अपनाई जानी चाहिए, मतलब आप वर्किंग हो, आप कोई ऑफिस जा रहे हो, तो कौन सी 2 नीतियाँ अपनाओगे। पहला, नियमितता, मतलब रेगुलर जाओगे, समय की पाबंदी, एकदम मतलब पंचुअल रहोगे, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ठीक है। अपने सहकर्मियों एवं ग्राहकों से मित्रतापूर्वक संबंध, मतलब आपके जो कलीग्स होते हैं ऑफिस में आप जाते हो तो उनके पास, उनके साथ कैसे संबंध रिलेशन रखोगे, अच्छा ही रखोगे ना, ज़्यादा चिड़चिड़े रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, गुस्से में रहोगे, तो इससे क्या होगा, आपका ही ऑफिस में आपका ही मतलब कहते हैं अपना ही नुकसान होता है, मूड ऑफ रहेगा, अच्छे से काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब दिक्कतें तुम्हें ही होती हैं, तो इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो पॉइंट, ठीक है, पर एक नंबर का है तो 2-2 पॉइंट आपको करके आने हैं। नेक्स्ट है आपका, एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि अपने कार्य का अपर्याप्त ज्ञान व कुशलता दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उस ठीक है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, मतलब अधूरा ज्ञान क्या होता है, कहते हैं ना कि जो मान लो आप डॉक्टर नहीं हो और आपने किसी को दवाई दे दी, हो सकता है उस रोगी का और तबीयत बिगड़ जाए, उसकी जान पे बनाए। तो अपर्याप्त ज्ञान और कुशलता दूसरों के लिए हमेशा हानिकारक होती है, तो इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल डॉक्टर का दे दो, इंजीनियर का दे दो, इंजीनियर है उसे ढंग से पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है, और जो भी काम वो करेगा उसमें सफल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के ज्ञान को उपयोग में लाने के 4 सुझाव। देखो, होम साइंस को कैसे यूज़ में लाओगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको होम साइंस का ज्ञान है आप कोई भी पैच खोल सकते हो जिसमें छोटे बच्चों का देखभाल कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, इससे ज़्यादा वस्त्रों के लिए कोई काम खोल सकते हो, कटिंग का, कढ़ाई का, है ना, ये जो कुछ काम है जो गृह विज्ञान का ज्ञान होने से आप अपना रोज़गार के अवसर अपने आप के लिए क्या कर सकते हो,
यूज़ कर सकते हो, उनको रोज़गार के अवसरों में चेंज कर सकते हो अपने लिए। तो पैसा का पैसा आ जाता है और आपने अपने ज्ञान को यूटिलाइज़ कर दिया किसी चीज़ में, ठीक है। तो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, कार्य सरलीकरण के तरीके अपनाना, थकान पर नियंत्रण पाना, समय ऊर्जा का प्रबंधन, मतलब समझ जाते हो कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाना है, अपने पैसे मनी को कैसे सेव करना है ना। कुछ कुछ काम आप घर के कर लेते हो तो आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं। घर में ऊर्जा के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग एवं संरक्षण करना, आपको पता ही है ऊर्जा के संसाधन घर में जो आप यूज़ करते हो, प्रेस हो गया, और भी चीज़ें हो गई, आपका पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, अवन हो गए, तो आप इनका अधिक से अधिक उपयोग करना सीख जाते हो और इनको कैसे सेविंग करनी है एनर्जी की वो भी आप सीख जाते हो। भोजन पोषण आप समझ जाते हो, बच्चे को कितनी क्वांटिटी में कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन उसे कितना देना, कब उसे विटामिन देना है, कौन सी रोग से कौन सा पोषक तत्व हेल्प करता है हमें लड़ने के लिए, तो ये सब आप समझ जाते हो। एग्जांपल कोरोना, कोरोना में आपको सबको पता है सारी माएँ जो होती है उन्होंने अपने बच्चों को अपने परिवार को कैसा खाना दिया है जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ताकि उसे कोरोना से लड़ने की क्या मिले, शक्ति मिले। तो इस तरह से कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आप यहाँ पे पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हो। विभिन्न उपयोगों के लिए वस्त्रों का चतुराई पूर्वक चुनाव है ना, तो आप देखो कपड़ा पकड़ते ही पहचान जाते हो कि ये कपड़ा कैसा है ना, तो ये भी आप होम साइंस से ही सीखते हो। सिक्स क्वेश्चन है, अपने पोशाक पर लगे धब्बे को छुड़ाने के लिए आप रसायन का उपयोग करते समय कौन कौन सी दो सावधानियां बरतेंगे। भाई सिंपल सी बात है, आपको कोई दाग निकालना है तो आप क्या ध्यान रखोगे, कपड़े का रंग ना निकले, कपड़े की कोमलता खराब ना हो, कपड़ा फट ना जाए, नुकसान ना हो जाए, बस ये इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, दो नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट है आपका बचत क्या है, बचत के लिए दो निर्देश। बचत वही है जो आपकी जो पूरी आप कमाते हो उसमें से कितनी सेविंग आप अपने भविष्य के लिए रखते हो, वो बचत होती है। तो निर्देश क्या होंगे आपके, निर्देश हो जाएंगे अपनी बचत योजना को व्यवहारिक बनाना चाहिए आपको, है ना, कि मतलब हमेशा अपने व्यवहार में आपको डालना है कि हमें सेविंग करनी करनी फ्यूचर के लिए, बचत की नियमित योजना बनाना एक था ना, बिल्कुल अभी बिना योजना के तो कुछ काम नहीं होता कि कहाँ पे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कितनी सेविंग करनी है। वस्त्रों में किस तरह का लेबल उपभोक्ता को दिलासा दिलवाता है कि वह एक सही वस्त्र खरीद रहा है। देखो लेबल होता है, लेबल ही ब्रांड होता है, आपको बताइए, आप भी ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, तो कहते हैं ना सस्ता रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार, तो वही बात आती है, जितने ब्रांडेड कपड़े आप पहनोगे उतना वो चीज़ चलती है, कम्फर्टेबल रहती है। बच्चों के अलग ब्रांड हैं, उनको ब्रांडेड कपड़े पहनाओ तो उनकी स्किन नहीं छिलती, कोमल रहते हैं उनको, है ना, उनको आराम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आंसर, आप देख लीजिएगा, तो लेबल के नाम में उत्पाद का नाम आ जाता है, ब्रांड का नाम आ जाता है, उत्पादक आ जाता है, और क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसमें, है ना, कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किया गया है, प्रयुक्त कच्चा माल, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स उसमें लिखी हुई होती हैं अगर कोई भी ब्रांडेड कपड़ा आप खरीदते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किससे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, उबले चावल या तले हुए चावल, तो आप कारण बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, उबले हुए चावल, जो बॉयल्ड चावल आप खाते हो, सबसे ज़्यादा कैलोरी आपको वहीं मिलती है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि तलते हो ना तो तलने से बहुत से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, खनिज नष्ट हो जाते हैं, विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो चावल को उबाल कर बनाने से ही उसके पोषक तत्व ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तो आपको वैसे ही खाने चाहिए, वही हेल्दी होते हैं। एक अंधे बच्चे की सहायता करने के लिए दो सुझाव, देखो वो बच्चा अंधा है तो क्या कर दोगे, आप उसकी इंद्रियों का भरपूर प्रयोग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करोगे, उसको एनकरेज करोगे कि हाँ यूज़ कर, अगर आप अंधे हो तो कान आपके तेज हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, आप उनको यूज़ करो, है ना। अंधे बच्चे को चलते समय छड़ी का प्रयोग करना सिखाएंगे ताकि वो अपना भी चल पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए। नेक्स्ट है आपका, अधो वस्त्र के लिए आप किस तंतु का चुनाव करेंगे और क्यों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अधो वस्त्रों के लिए सूती तंतु सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये नमी आसानी से सोख लेता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही होता है, शीघ्रता से सूख भी जाता है, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, शरीर को गर्मी को दूर रखने के लिए आपको ठंडा बनाए रखता है, ठीक है ना। आगे है आपका, वे चार तरीके बताइए जिससे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को विलंबित किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है, प्रत्येक का एक एक उपयुक्त ध्यान दें। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो आपको मतलब छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आप देख नहीं सकते, तो उनके प्रभाव को, अगर उनका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपको रोगों से आप घिर जाओगे, है ना, तो उनसे बचने के लिए आप क्या क्या करोगे, सुरक्षा आवरण प्रदान करते हैं, तापमान को बढ़ाकर आप मार सकते हो, तापमान को घटाकर, मतलब ये बोलने का मतलब ये, कोई चीज़ें तापमान घटा दो, जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होते, सूक्ष्म जीवाणु से बढ़ गए बच गए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें होते हैं तो आप उबाल लेते हो तो वो चीज़ें नष्ट हो जाती है, तो आपको चीज़ें जो आप खाते हो वो आपको बेस्ट मिलता है, जैसे पानी है, पानी अगर आप वैसा पानी पी रहे हो तो उसको बॉइल्ड कर लो तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु सारे मर जाते हैं और आपको प्योर वाटर मिलता है जो आपको एक्वागार्ड ऐसी चीज़ों से प्राप्त होता है।
रसायनों का प्रयोग करके कोई चीज़ आप छिड़काव कर देते हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आप करके अपने मतलब क्या कर सकते हो, अपने जो कुछ भी पदार्थ है उसको सूक्ष्म जीवाणु के प्रभाव से बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, थकान को दूर करने के 8 उपाव। क्या बोलते हो थकान, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है? आराम करना चाहिए बीच बीच में, कभी कभी भारी काम करना चाहिए, कभी कभी हल्का काम करना चाहिए, कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए। सारा ही भारी काम करोगे तो थक जाओगे। श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करो, भाई जब चीज़ें हैं तो यूज़ करो। वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो, ठीक है ना। और आपके पास ग्राइंडर है तो हाथ से क्यों पीस रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करके वातावरण खुशनुमा रहना चाहिए। कभी गाने लगा दिए, लाइट म्यूजिक लगा दिया, काम करते रहे तो इससे आपकी थकान आपको फील नहीं होता, ठीक है, और आप ज़्यादा काम कर पाते हो। छोटे बच्चों के व्यवहारगत समस्याओं के कुछ उदाहरण कारण क्या हो सकते हैं? देखो आपको पता ही है, छोटे बच्चे होते हैं वो जो बिहेवियर होता है वो मतलब उनका बहुत अलग अलग होता है। हर बच्चे का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो ये बोल रहा है छोटे बच्चों में व्यवहारगत समस्याएं, समस्याएं से बात कर लो। कई बच्चे जो होते हैं वो शाय फील करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, कई बच्चे ज़्यादा मतलब आपस में घुलते मिलते नहीं जल्दी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, उनको पढ़ के आपको पता चल जाएगा, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जब बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं, ठीक है, आपको समस्या के कारण जानने हैं। देखिए जहाँ पे उनको आज़ादी नहीं मिलती अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं मिलती, तब वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल भी स्वीकृत मतलब जो मतलब समाज में स्वीकृत नहीं है, जो मतलब जिसको जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसी चीज़ें वो करने लग जाते हैं। माता पिता जब आपस में ज़्यादा लड़ते हैं तो उससे भी बच्चों पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो ये समस्या उनके व्यवहार में तब दिखने लगती हैं। उनका बिहेवियर भी जो है वो काफ़ी हद तक एग्रेसिव हो जाते हैं बीच बीच में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ बच्चे होते हैं माता पिता के झगड़ों से आपस में भी मार पिटाई करने लग जाते हैं, कभी दादी को मार दिया, कभी बाहर भाई छोटे भाई बहनों को मार दिया। तो ये सब चीज़ें व्यवहारगत समस्याएं हैं जो इन्हीं कारणों से आती है। फिर उनका जो आसपास का माहौल है, आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, वेल मैनर्ड में रहते हैं, तो उन बच्चों के व्यवहार में भी आपको वैसी दिखाई देगा, वेल मैनर्ड रहेंगे, कभी गालियाँ नहीं देंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। और जिनके वातावरण में रोज़ मार पिटाई होती है, गाली गलौज होता है, तो उन बच्चों के लैंग्वेज में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। कहते हैं ना बच्चा कहाँ से सीख रहा है, आज पड़ोस से ही सीख रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, बाकी जैसा मैंने आपको बताया आप वो भी लिख सकते हो उसमें। क्योंकि होम साइंस है फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें रट्टा नहीं लगाना है, ये एक समझने वाला सब्जेक्ट और हमें समझ के ही चलना है। ज़्यादा रट्टा लगा लेंगे तो इससे क्या होता है, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। और कुछ बच्चे फ्रेंड्स जो शारीरिक तौर पे अक्षम होते हैं, ये पॉइंट्स थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं। जो बीमार होते हैं ना, तो जैसे जो लंबा बीमार चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर कैसा हो, अग्रेसिव चिड़चिड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी बातों में रूठ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फिजिकली चेंजेस भी होते हैं, और फिजिकली जो हमारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, जो प्रभाव होता है वो भी हमें अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर पर, बच्चों के बिहेवियर पर। क्यों, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत जल्दी मतलब हल्का सा बुखार आया चिड़चिड़े जाते हैं, आपने भी देखा होगा घरों में आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, जो ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें कम से कम 4-4 पॉइंट लिखने तो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कम से कम पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा और कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिख के आइएगा। वस्त्र खरीदते समय किन 4 तरीकों से उपभोक्ता धोखा खा सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है, ये कोई पढ़ने की बात है। आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, अगर आप चीनी खरीदने जाते हो तो कम मात्रा में नापना। लोग क्या करते हैं, आजकल तराजू के नीचे मैग्नेट लगा देते हैं, कम तोल कर आपको दे देते हैं। बड़ी कीमतें, कीमत उसकी मतलब सरकार ने कम कर रही है और आपको बढ़ा के दे रखा है, टैक्स वैक्स का नाम ले लेते हैं कि हमारे को ये टैक्स देना पड़ रहा है, और आप भी पैसे दे देते हो। दोषयुक्त उत्पाद, यहाँ पे आपको पता ही होगा आप क्या करते हैं, अनेक वस्त्र जो विक्रेता तो वो दोषयुक्त वस्त्रों को अत्यधिक बताकर बाजार में बेच देते हैं और उपभोक्ता से अधिक मूल्य ले लेते हैं। मान लो फटा कपड़ा है, आपको थोड़ा ना दिख रहा है उस टाइम पे, आपको ज़्यादा बता के पैसे आपसे वसूल लिए। दोषपूर्ण लेबर, आजकल लेबर भी डुप्लीकेट मिल जाते हैं, डुप्लीकेट लेबर लगा के आपको बेच दिया, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका ये 16 क्वेश्चन, खाने के लिए क्या सही है, उबली दाल या अंकुरित दाल। देखो सबसे पहली बात है, पढ़ते ही पता चल जाता है दोनों ही दाल बेस्ट होती हैं। बच्चों को कहते हैं ना उबाल के दाल दीजिए तब भी न्यूट्रिशन रहता है, लेकिन अंकुरित दाल ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, ठीक है। इसको देने के लिए मतलब बच्चा इसको ज़्यादा इससे उसको विटामिन न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो खाने के लिए अंकुरित दाल ज़्यादा उपयोगी होती है। वही बोल रहा है उबली दाल से अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। संयोजित लोह शरीर के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है, सुपाच्य बनता है, सुपाच्य में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, उपयुक्त प्रोटीन शरीर को प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव और भूमंडलीकरण ताप वृद्धि किसे कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपको पता ही होगा कि जो सूर्य होता है उससे जो विकिरणें निकलती हैं, तो उसको जो होता है उसमें से क्या होता है फ्रेंड, जो ऊर्जा सूर्य प्रदान करता है विकिरणों के रूप में, उसमें से कुछ ऊर्जा पौधे ले लेते हैं, आपके पता ही है आपको, है ना, और जीव जंतु ले लेते हैं, है ना, तो और जो बाकी के चीज़ें होती हैं वो जो गैसें होती हैं वो अपना में समेट लेती हैं, तो उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो अगर ग्रीन हाउस ना हो फ्रेंड्स, तो पता है ना सूरज जो तापमान है तो जिसमें आप रहते हो वो नहीं मेंटेन हो पाएगा, जिस वजह से हमको पता है हमें गर्मी भी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो जो पृथ्वी है उसका तापमान एकदम लो टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी में भी जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव है, लेकिन इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से जो वो काम कर रहा है, जैसे जंगलों की निरंतर कटाइयाँ कर रहा है, जंगलों को हार्म पहुँचा रहा है, जंगलों में आग लगा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कई टनों में ना जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, तो ये वातावरण में फैल जाती है। ये क्या करती है, ये जो सूर्य की विकिरणें होती है उसको अपने में समाहित करके, मतलब अपने में समेट के पृथ्वी के चारों एक कंबल सा बना देती हैं, जिसकी वजह से विकिरण है वो अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाती। नहीं तो क्या होता है, जो विकिरण होती है उसका आदान प्रदान होता रहता है, तो आपका जो वातावरण है जहाँ आप रहते हो सर्वाइव करते हो वहाँ का जो तापमान है वो कहते हैं मेंटेन रहता है। लेकिन इनकी गलतियों की वजह से, हमारी जैसे लोगों की गलती, कुछ लोग होते हैं जो लगातार अपने फायदे का ध्यान रखते हैं, तो उन कहते हैं लालची लोगों की वजह से तापमान में वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से भूमंडलीय ताप वृद्धि होने की वजह से एक दिन क्या होगा, सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तो नष्ट होंगे होंगे, जीव जंतु भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, कई प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर बच्चे अपने माता पिता से अधिक महत्व अपने हम उम्रों को क्यों देते हैं। बहुत बहुत इजी है, कारण मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी एक एज आती है ना 14 से 16 इयर्स की, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हर इस इंसान को ना अपने माँ बाप गलत लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो आपको कई चीज़ों को ना करने के लिए बोलते हैं, है ना, कई चीज़ों में रोक टोक लगा देते हैं, तो इस वजह से आपको माता पिता खटकने लग जाते हैं। और जो हम उम्र आपका बढ़ावा देते हैं, जैसे आपने कुछ गलत किया तो आपको दूसरों से, दोस्तों से बढ़ावा मिला, तो आपको वही सही लगने लग जाते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम उम्र लगना जायज़ भी होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो इस आयु के सभी सभी के सभी किशोर एक जैसे संगत समस्याओं से घिरे होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ये भी हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा समझ पाए क्योंकि वो आपकी ही उम्र के हैं, है ना। आमतौर पर लगभग सभी किशोर यह मानते हैं कि माता पिता की अपेक्षा मित्र, उन्होंने आपको अभी बताया कुछ काम आप कर रहे हो, आपको माता पिता से इतना उसके जैसे उनका सहयोग नहीं मिलता, लेकिन आपके हम उम्र होते हैं वो आपको सहयोग देते हैं उन कार्यों में, तो आपको वही अच्छे लगने लग जाते हैं, चाहे वो भले ही गलत हो, समाज के लिए वो गलत हो। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था में अपने विपरीत लिंग वाले को आकर्षित करने की इच्छा होती है। आपको पता ही है लड़के लड़कियों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो ये होता है विपरीत लिंग की तरफ, ठीक है। और इस तरह की जो बातें होती, ज़्यादातर आप अपने माता पिता से करने में हिचकिचाते हो, तो आपको अपनी हम उम्र के लोग चाहिए होते हैं ताकि आप अपने दिल की बात उनसे शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से होता है, और भी कुछ लिख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे, जो आप कोई कल्चर अडेप्ट करते हो अपने फ्रेंड्स का, आपने आपके फ्रेंड्स जीन्स पैंट पहनता तो आप भी पहनना स्टार्ट कर देते हो, आपकी फ्रेंड्स पहले सूट पहनती थी अब स्कर्ट पहन लगी तो आप भी वो चीज़ करते हो, तो संस्कृति से भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। ये भी कारण है तो होते हैं कि आप हम उम्रों को ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स, जो आपका पेरेंट्स पहन रहे हैं, जो आपको पहनने के लिए बोल रहे हैं, आप वो नहीं पहन सकते, है ना, तो आपको हम उम्र वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो प्राकृतिक दो रासायनिक रंजकों के नाम बताने हैं। रंजक आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक में जो होते हैं, जो नेचुरल हमें मिलते हैं, वो होते हैं वनस्पति रंजक, जैसे मेहंदी हो गई जो पेड़ से निकाली जाती है, पलाश हल्दी हो गई, है ना, बहेड़ा कत्था नील, ये कुछ चीज़ें हैं ये हमें पेड़ों से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। प्राणिक रंजक होते हैं, कॉकनियल नामक एक कीट है, कीट है उससे, मतलब कीड़ा है उससे निकाला जाता है ये कॉकनियल रंग, तो ये रंग है, कपड़ों को रंगने के काम आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं। रासायनिक जो बनाए जाते हैं, एसिड रंजक हो गया, क्षारीय रंजक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे रासायनिक रंजक के प्रयोग के 3 लाभ बताइए। देखो सस्ते होते हैं, आपको पता ही है केमिकल वाले जो चीज़ें होती हैं हमेशा सस्ती मिलती हैं, करना क्या होता है केमिकल लगा के बना दिया जाता है, उपयोग में आसान होते हैं और उपयोग में पक्के होते हैं, मतलब कभी निकलते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ होती है, अगर ये रंजक को जल में मिला दिया जाए तो एक हानि है, जल प्रदूषण हो जाता है।
किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन आपको पता ही है, 11 से 13.5 वर्ष की में लड़कियों में जो जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, और लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं 13 से 15 वर्ष तक के बीच में आते हैं। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, आपको पता ही है, आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो क्या क्या आपको परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना। परिपक्वता आने लग जाती है, ठीक है, और दाढ़ी मूछ लड़कों के निकलना, लड़कियों में भी मतलब कहते हैं जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें हेयर आ जाना, बाल आ जाना, ठीक है ना, और सुंदर होती जाती हैं दिन प्रतिदिन लड़कियां, लड़कों का आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की हल्की हो जाती है, तो ये सब कुछ चेंजेस आते हैं उनमें। एक सौर चालित कुकर कैसे कार्य करता है, उसके उपयोग के बारे में बताइए। देखो, सौर चालित होता है जो सूर्य की ऊर्जा से चलता है। आजकल इनको यूज़ करने का ज़्यादा बोला जाता है ताकि जो ईंधन है उसको बचाया जा सके, फ्यूल को बचाया जा सके, है ना। अब इस वजह से सौर कुकर का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ईजी होता है यूज़ करने में, कोई इतना टफ भी नहीं होता। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ईंधन है कम खर्च होता है, मैंने आपको पहले बताया, ये फ्यूल को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, है ना, लाभ इसके यही है। सुरक्षित होता है, आग लगने का डर नहीं होता, बिजली का करंट लगने का डर नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल वे में पक रहा है। इसकी ओर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात बार बार देखने की झंझट भी नहीं होती, सेफ है, बच्चों का भी डर नहीं होता, ठीक है ना। काम कैसे करता है आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं करना, एक बक्से का आकार का होता है जिसका तला गहरे मतलब रंग का होता है, बाकी आप ये पढ़ लीजिए। ऊपर कांच का ढक्कन होता है, सूरज की किरणों में रख दो, उसमें किरणें पड़ती रहेंगी, तल पर पड़ती रहेंगी, कुकर गर्म होता रहेगा और सामग्री आपकी पकती रहेगी, भोजन जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है, वसा व तेल का आहार अपने आहार में समावेश करने के 6 कारण बताइए। वसा व तेल का अपने आहार में समावेश करने का, तो इसमें वही आपको बताइए, शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न रहती है, तेल की चीज़ें खाओगे तो ऊर्जा आपकी रहेगी रहेगी, क्योंकि हमें तेल, घी तेल से भी ऊर्जा ही मिलती है। वसा ग्रहण किए गए भोजन का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें वसा पड़ती है वो ऑलरेडी कहते हैं ना महंगी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ विटामिन ज़्यादा मिल जाते हैं हमें, कुछ विटामिन जैसे हो गए ADE K, ये वसा में घुलनशील होते हैं केवल, अतः ये विटामिन वसा में घुलनशील शरीर के सभी भागों के तंतुओं तक पहुँचते हैं, सही को लाभ पहुँचाते हैं। वसा से आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, ये एक अलग उसका एडवांटेजेस है, शरीर की सुरक्षा प्रदान होती है, बिल्कुल सही बात है, हमारी स्किन बहुत अच्छी जाती है तेल तेल की चीज़ से, है ना, कहते हैं ना तेल की कमी भी नहीं होनी चाहिए, उचित मात्रा में हर चीज़ लेना बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर को। शरीर के ताप के नियमन में मतलब नियंत्रण रखने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, घर के रखरखाव के लिए एक गृह व्यवस्था के 4 कार्य। भाई अब आपको पता ही है, जो आप होम मेकर होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं आपके घर के, मतलब अगर वो रखरखाव करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष रूप से सभी कर्मचारियों को नियंत्रित रखता है, यही तो करता है, तो और लोग हैं उनको ध्यान में रखता है कैसे काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। गृह कार्य के हर पहलू पर नज़र रखता है, कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, गृह व्यवस्था का पूरा कर्ता धरता होता है वो, आपको पता ही है, ठीक है, सारी चीज़ उसकी जिम्मेवारी होती है। नेक्स्ट है आपका, आप कैसे छुड़ाएंगे, मतलब संगमरमर के धब्बे एवं पॉलिश की हुई लकड़ी से पानी के धब्बे कैसे छुड़ाएंगे। अगर संगमरमर की बात करें तो गर्म पानी से साफ़ कर लो, हो जाता है साफ़, कभी कभी मिट्टी के तेल बुरादे से भी साफ़ कर सकते हो, नींबू रगड़ने से भी साफ़ हो जाता है। पॉलिश की हुई लकड़ी से पानी के धब्बे हटाने हैं तो आपको पता है फलालेन के कपड़े से झाड़कर पोंछना चाहिए पानी के धब्बों को, मतलब धब्बे वाला चैप्टर ना पढ़ के जाना कि कौन सा धब्बा कैसे छूटेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। एक आकर्षित पुष्प सज्जा बनाने के लिए 4 चरण बताने हैं, पुष्प सज्जा आपको पता ही है, फूलदान में पिनविन होल्डर लगा के, तो ये कुछ ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है पुष्प सज्जा मतलब जो फूलदान ही हो गया, उसको बनाने के क्या क्या चरण होंगे, आप क्या क्या करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, बाकी आप एक बार उसको रीड करना चाहते हैं आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, इसलिए मैं क्या बताऊँ इसमें आपको, है ना। गर्ल्स तो बहुत अच्छे से पेपर कर पाती हैं, और आजकल तो बॉयज़ ही बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए होम साइंस में, वो भी बहुत इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर इस बार बॉयज़ ही लेके आए थे मेरे, है ना। बस थोड़ा माइंड को अपना लगाइए कि क्या है, थोड़ी सोच बढ़ाइए अपनी, आराम से आंसर कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आप सारे पॉइंट। नेक्स्ट आपको अपने घर की वार्षिक सफाई करने के लिए लास्ट है, आप कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाएंगे। भैया वार्षिक साफ सफाई देखो पता ही, दिवाली में आप लोग सभी करते होंगे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, तो वही सब चीज़ें आपको लिखनी है क्या क्या सफाई करते हो, इसमें आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आप कंट्रीब्यूशन तो देते होंगे दिवाली की सफाई में अपने मम्मी पापा का, तो वही सब आपको करना है, जो वाइट वॉश कराते हो, झाड़ू पोंछ के सफाई करते हो, सारे घर को मिट्टी होती है सारी चीज़ें पोंछ पोंछ के रखते हो, धोते हो, सब चीज़ वही है स्टेप बाय स्टेप, बाकी कुछ नहीं है नया, कोई चीज़ ख़राब होगी उनको ठीक करवाते हो, है ना, तोड़ फोड़ का सारा काम आप यहाँ पर करते हो।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके पूरे कंप्लीट होता है ये पूरा होम साइंस का। और जितनी मैंने आपसे कोशिश करी थी पूरा अच्छे से क्लियर कराने की मैंने कोशिश की है, अगर आप इसको पढ़ लूँगा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आप अपना अच्छे से अच्छा पेपर दे मतलब अटैम्प्ट कर पाएँ, आंसर दे पाएँ। ठीक है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी आपको जो इसके और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें क्वेश्चन बता दूंगी आपको, लेकिन इस पेपर को अगर आपने कर लिया तो आप कई हद तक आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालती हूँ फ्रेंड्स तो वो आपको मिलती रहेंगी। आप अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।